देश की समुद्री सीमाओं को अभेद बनाने की कवायद में जुटी भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस खंदेरी को लॉन्च किया है। राज्य रक्षा मंत्री सुभाष भामरे ने मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में आईएनएस खंदेरी को लॉन्च किया। लॉन्च होने के बाद अब दिसंबर 2017 तक आईएनएस खंदेरी के कई टेस्ट और ट्रायल किए जाएंगे, जिसके बाद इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर से लैस आईएनएस खंदेरी बेहतर स्टेल्थ क्षमता से लैस है और यह प्रिसीजन गाइडेड वेपन से दुश्मन को कमजोर करने वाले हमले करने में सक्षम है। खंदेरी के स्टेल्थ फीचर इसे अभेद बनाते हैं और इस ताकत के साथ ही यह बाकी पनडुब्बियों को कहीं पीछे छोड़ देती है। आईएनएस खंदेरी को पारंपरिक टारपीडो के अलावा ट्यूब लॉन्च एंटीशिप मिसाइल से भी लैस किया गया है, जिसके चलते इसे पानी के अंदर या सतह से भी दागा जा सकेगा। इसके अलावा इस पनडुब्बी को हर तरह के कम्युनिकेशन मीडियम से भी लैस किया गया है। आईएनएस खंदेरी किसी भी मायने में आधुनिक पनडुब्बी से भी पीछे नहीं है, चाहे एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना या फिर सर्विलांस, यह सभी से बीसी साबित होगी। स्कॉर्पियन क्लास की इस पनडुब्बी को मराठा सेना के द्वीप खंदेरी के नाम पर यह नाम दिया गया है। इस द्वीप ने 17वीं सदी में मराठा सत्ता को बरकरार रखने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय नौसेना के मुताबिक इस साल 8 दिसंबर को पनडुब्बी शाखा अपने 50 वर्ष पूरे कर रही है। हर साल इस दिन पर सबमरीन डे मनाया जाता है। 8 दिसंबर 1967 को पहली पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।